आराम मैम, एक मिनट मैम, तुम नोकिया वाले मोबाइल की फोटो लो, मैं फिर कैप्शन बैठे बना सकता। खाना भी मयस्सर नहीं होता, पहलू होता है अच्छा एक बुरा जरूर होता है। मैं कहती हूँ कि इसके साथ ओम की इनॉग्रेशन की है, इसके हवाले से बताएं। देखिए सबसे पहले मैं पुंछ की आवाम की तरफ से अपनी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक ओल्ड एज होम आज इनॉग्रेशन किया है, यहाँ पे सेंक्शन किया है, आज हमने उसकी इनॉग्रेशन की है। बहुत अच्छी बात है कि जितनी डेवलपमेंट हो हमारे लिए, हमारी पूरी काउंसिल के लिए, एक आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पुंछ में जो चीज़ें नहीं हैं वो यहाँ पर लाई जाएँ लोगों के लिए। तो आज जो हमने एक सीनियर सिटीज़न होम की इनॉग्रेशन की है उसके लिए हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, हमारे एनजीओस हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि एनजीओस हमारे जितने भी हैं यहाँ पे, तो इन्होंने हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीज़न के, ओल्ड एज के जितने भी हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं। पेंशन का मसला हो या उनके लिए रेवेन्यू का कोई भी इशू हो, उसमें ये एनजीओस हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि जो ओल्ड एज होम यहाँ पे आज इनॉग्रेशन की है, फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, एक घर जैसी है, यहाँ हेल्थ की सब चीज़ें जो है यहाँ मुहैया की जा रही हैं। लेकिन मेरी एक आपके थ्रू एक मैसेज रहेगा अपने भाइयों और बहनों को, मेरी आवाम के लिए, कि जितना हो सके अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनको इज्जत दें। ये ना हो कि जैसा यहाँ ओल्ड एज होम खुला के जो जिसको मर्जी आए यहाँ पे बेच दे, वो चीज़ें नहीं होगी। यहाँ सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन होंगी, कुछ रूल्स होंगे, उसके बाद यहाँ पे इजाज़त मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ आने की नौबत ना मिले। हम सबका फ़र्ज बनता है अपने माँ बाप की, अपने बुज़ुर्गों की सेवा करने का, क्योंकि जैसा हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसे ही औलाद हमारे साथ भी करेगी। और मेरा यही सबके लिए मैसेज है, अपने जितने भी बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दें, अपने घरों में अपने साथ रखें। Thank you, man.